stepping up to the competition. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? ठीक होगे? मैं नितिन जाड़ा, फिर आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज अपने आगे खड़ी है ऑल न्यू बिग डैडी एक्सयूवी, माने क्या कहे जाने वाली कार खड़ी हुई है अपने आगे, स्कॉर्पियो एन जो का वेरिएंट खड़ा हुआ है भाई, जेड टू, जो कि सबसे वैल्यू फॉर मनी जो माना जाता है ना भाई, वो इसका यही वेरियंट है जेड टू, जिसके अंदर भाई सिर्फ आपको एक शोरूम जो प्राइस आता है इसका आता है वो 13,99,700 रुपये का भाई, इसका आपको एक शोरूम प्राइस आ जाता है, जो कि आपको ऑन रोड लगभग आपको 16 लाख रुपये की पड़ जाती है। और आपको 16 लाख रुपए में भाई आपको 7 सीटर कार मिल रही है, और मैं आपको बता देता हूँ उसके अंदर आपको क्या 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 मिल जाता है। तो एक बार पूरी की पूरी वीडियो में डिटेल में देखिए, फिर आपको पूरी की पूरी वीडियो एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको इसमें क्या क्या मिल जाता है। फ्रंट पर भाई मिलता है भाई पूरी की पूरी भाई आपको भाई फ्रंट में मिल जाती है आपको पूरी की पूरी भाई ब्लैक कलर की ग्रिल, जो कि भाई काफ़ी प्रीमियम एंड काफ़ी ग्लोसी वाला लुक आ जाता है इसके अंदर। और यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी अच्छी लगती है भाई गाड़ी, यहाँ पर देखो पूरा का पूरा भाई एक लुक देख लो गाड़ी का भाई, 16 लाख रुपए में, और लोगे तो लोगे क्या, 7 सीटर कार, वो भी बिग डैडी एक्सयूवी भाई, सब चीज़ें हैं भाई गाड़ी के अंदर, अभी आपको बताता हूँ और क्या क्या। ठीक है भाई, फ्रंट के हेडलाइट में भाई हैलोजन मिल जाते हैं, विद इंडिकेटर मिल जाते हैं इसमें, ये भाई आपके ये वाले जो नीचे वाले फॉग लैंप है ये भाई इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, ये सीरीज का पार्ट है, ये इसके अंदर नहीं आते, ये आपको परचेस करने पड़ते हैं। ठीक है, फ्रंट से भी आप इसका भाई लुक देखो यार, लुक कितना गजब आ रहा है, गड़ा आ रहा है एक नंबर का, जिसे कहते हैं काफ़ी मस्त लुक आ रहा है इसमें। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको साइड प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं भाई, इसमें आपको 17 इंची का आपको टायर मिल जाता है इसके अंदर, अलॉय आपको अलग से आपको परचेस करने पड़ते हैं, और यहाँ पर आप देख ही सकते हो। ठीक है जी, वो भी आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाता है, और इसके आपके टायर साइज़ बता देता हूँ भाई, 245/65/17 की भाई प्रोफाइल भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि भाई इसकी कहीं ना कहीं इसकी परफॉर्मेंस को भी आपको रोड पे काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंट करने में आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प कर देती है। साइड के ORVM भी भाई आपको यहाँ पर देख लो, ये भी आपके भाई ब्लैक कलर के मिल जाते हैं आपको, ये पर मिलते हैं आपको मैट ब्लैक में, ये मिलते हैं आपको ग्लॉसी ब्लैक में गाड़ी, तो ये भी आप आफ्टर मार्केट से हल्का सा पेंट भी करा लोगे ना तो ग्लॉसी सा, तो उसमें भी भाई गाड़ी काफ़ी मस्त है, काफ़ी खूबसूरत लगेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, ये भी आपको भाई मैट ब्लैक में मिल जाते हैं, जो कि ये भी आप आफ्टर मार्केट से आप इसे करवा सकते हैं ग्लॉसी, जिससे कि इसके लुक को और अच्छा मजा सा आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है भाई। ठीक है जी, प्लस और यहाँ पर आपको देख लेते हैं भाई, रियर में भी पीछे भी काफ़ी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, प्लस ये भाई आपको यहाँ से पेट्रोल की एंड डीजल की यहाँ से आपको मिल जाती है, गाड़ी आपकी डीजल है। ठीक है जी, और जो मैं प्राइस बता रहा था वो आपको पेट्रोल है। ठीक है जी, डीजल में भी आपको मिल जाएगी, और बाकी ये है कि भाई आप गाड़ी के पूरी की पूरी लुक को आप रियर से चेकआउट कर लो, रियर से भी काफ़ी प्रीमियम लग रही है, यहाँ पर आप देख लो रियर में भाई पूरी पूरी आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है, प्लस आपको डोर हैंडल्स वही सेम मैट ब्लैक मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पर आपको भाई महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिल जाती है, स्कॉर्पियो आपको पूरा पूरा सिल्वर में, एन आपको रेड कलर की फिनिशिंग मिल जाती है, पीछे की तरफ एक आपको शार्पिन एंटीना देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स में कैमरा, रिवर्स में आपको क्या नाम है पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जो कि बाइक की सेफ्टी के पर्पज़ के लिए काफ़ी बढ़िया रहते हैं। अंदर भी आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ये भी आपको ब्लैक कलर का लीवर आपको देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस तो खैर आपको 7 सीटर में मिलता नहीं है, पर यह कि आप सीट अपनी फोल्ड कर सकते हो तो आपका बूट स्पेस बढ़ जाएगा, और जिसमें कि आपको अपना सामान या मतलब आपकी जितनी भी आपके मतलब बाइक कैरी बैग हैं, मतलब आपका सूटकेस है, वो भी सब इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। बाकी ये है गाड़ी का कुछ इस तरीके का आपका भाई लुक आ जाता है, एंड काफ़ी इस तरीके की लुक बढ़िया लगती है गाड़ी की, और इस तरफ आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरीके की रहने वाली है, तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और बार आपको गाड़ी के अंदर दिखा देते हैं कि आपको Z2 में क्या क्या देखने को मिल जाता है। सो फाइनली गाइस, गाड़ी के स्टेरिंग में बैठ चुका हूँ, गाड़ी के स्टेरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर गाड़ी का स्टेरिंग देखोगे ना भाई, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि भाई बेस मॉडल का आपको भाई स्टेरिंग देखने को मिल जाता है भाई। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग, भाई आपको काफी अच्छा वर्क देखने को मिल जाता है, महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, वो भी सिल्वर कलर की फिनिशिंग में, साथ ही साथ आपको यहाँ पर भाई वॉल्यूम अप एंड डाउन के भाई कंट्रोलर भी मिल जाते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं भाई देखो काफ़ी बढ़िया भाई लगेगा लुक भाई, देखो गाड़ी के भाई देखिए स्टेयरिंग काफ़ी बढ़िया लगने वाला है, प्लस यहाँ पर आपको भाई जो स्पीडोमीटर दे दिया जाता है ये भी भाई आपको टॉप मॉडल वाला है, इसके अंदर आपको मिल जाता है Z2, Z4, Z6 तक आपको सब चीज़ें सेम ही देखने को मिल जाती हैं लगभग लगभग, और यहाँ पर आपको भाई RPM और आपकी स्पीड मार्किंग भी आपको देखने को मिल जाती है, 220 की आपको स्पीड मार्किंग देखने को मिल जाती है, प्लस भाई आपको चारों पावर विंडोज़ मिल जाती हैं बेस वेरिएंट से ही, ये कहीं ना कहीं भाई आपको काफ़ी वैल्यू फॉर मनी आपको देखने को मिल जाती है भाई, बेस में ही चारों पावर विंडोज़ मिल जाते हैं, प्लस लॉक एंड अनलॉक मिल जाता है, प्लस आपको मिरर लॉक भी मिल जाता है इसके अंदर, बस आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और ऑटो फोल्ड नहीं मिलता, मतलब इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो आपको Z4 से मिलना स्टार्ट हो जाता है, पर लेकिन आपको Z2 में नहीं मिलता है। ठीक है जी, बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर, यहाँ पर आपको मिलता है पूरा का पूरा भाई हार्ड टच मिल जाता है,
और ये आप आफ्टर मार्केट से आप इसका कहीं ना कहीं से सॉफ्ट टॉप करवा भी सकते हो, पर लेकिन आपको कम बेनिफिटेड आपको हार्ड टच देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ट्यूटर्स की जगह भी नहीं मिलती है, ये भी आपको नॉर्मल आपको पूरा पूरा प्लेन मिलता है, ये भी आप आफ्टर मार्केट से आप यहाँ पर आपको ट्यूटर्स का पूरा ओरिजिनल महिंद्रा का कवरअप आप वहाँ से लगवा भी सकते हो। प्लस यहाँ से आपको कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं आपके, ठीक है जी, हेडलाइट के प्लस, और यहाँ पर आपकी भाई चाबी मिल जाती है। चाबी में आपके मैंने आपको बताई दिया कि सेंटर लॉकिंग आती ही नहीं है, ठीक है जी। अब आते थे भाई बीच के बारे में, ठीक है जी। बीच में भाई कुछ आपको सेंटर फेस देखने को मिल जाता है, जो कि Z4 और Z6 में और Z8 में तो लगभग आपको सब चीज़ें सेम ही मिलती हैं इसके अंदर, पर Z2 में भाई कुछ आपको एंड्रॉइड सिस्टम की तरह देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पर आपको 2 AC के वेंट और नीचे की तरफ जो काफी बड़ा इंटरफेस जो इसका लुक बना देता है वो आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको नॉर्मल AC हीटर और आपके कंट्रोलर मिल जाते हैं, ठीक है जी, डिफॉगर पर। यहाँ पर आपको पार्किंग मिल जाते हैं, एयरबैग ऑन ऑफ मिल जाते हैं, प्लस ऑक्स मिल जाती है, और एक आपको USB मिल जाती है। प्लस यहाँ पर आपको थोड़ी सी जगह देखने को मिल जाती है। प्लस आपको 6 स्पीड भाई एक कार मिल जाती है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको आपका हैंड ब्रेक मिल जाता है, ठीक है जी। आ जाते हैं फ्रंट के डैशबोर्ड पर, देखो भाई काफी बड़ा कैबिन स्पेस मिल जाता है इसके अंदर आपको, और काफी बड़ा आपका डैशबोर्ड भी इसके अंदर देखने मिल जाता है। कुछ तरीके से भाई इसकी गाड़ी कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी भाई आपको हार्ड टच मिलता है, यहाँ पर भी आपको कोई भी सॉफ्ट टच प्रोवाइड नहीं करवाया गया महिंद्रा की तरफ से। अब आ जाते हैं भाई ग्लव बॉक्स आपको कुछ इस तरीके का इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इस तरफ भी आपको भाई कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, ठीक है जी। ब्लैक और ब्राउन कलर का जो इंटीरियर का जो उसका भाई लुक है ना, वो काफी प्रीमियम लगता है, वो काफी अच्छा लगता है। तो इसका कुछ आपको इसका लुक इस तरीके से देखने को मिल जाता है। और बाकी आ जाते हैं इस तरफ भी भाई आपको शीशा शक्ल देखने के लिए, सॉरी शीशा नहीं मिलता है, IRBM ये भी भाई आपको मैनुअल ही मिल जाता है। और भाई ये रहा आपका एयरबैग, यहाँ पर आपको भाई शीशे के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पर बस आपको सिर्फ 2 एयरबैग मिलते हैं गाड़ी के अंदर, वो भी आप साइड वाला ऑन ऑफ भी कर सकते हो, देखो वो लिखा हुआ, ठीक है जी। तो गाइज काफी अच्छे खास आपको कैबिन स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आप देख लो। और बाकी चलते हैं गाइज अब रियर में भी आपको दिखा देता हूँ कि रियर में आपको किस तरीके का वो मिल जाता है। तो चलिए एक बार रियर में चलते हैं। सो फाइनली गाइज गाड़ी की रियर सीट पर बैठ चुके हैं, लेगरूम स्पेस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो गाइज काफी अच्छा खासा आपको लेगरूम स्पेस देखने को मिल जाता है इसके अंदर, और अंडर थाई सपोर्ट तो भाई काफी अच्छा खासा है ही, क्योंकि भाई सब चीजें सेम ही लगभग मिल जाती है। पर लेकिन ये है कि आपको भाई 16 लाख रुपए में भाई इतनी बढ़िया प्रीमियम XUV मिल जाती है यार, 16 लाख रुपए 7 सीटर कार, प्लस वो भी महिंद्रा का ट्रस्ट, और वो भी इतनी बिग डैडी XUV आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है जी। यहाँ पर 2 AC के वेंट्स मिल जाते हैं, नीचे एक टाइप सी चार्जर मिल जाता है, और बाकी बीच में एक लाइट मिल जाती है यहाँ पर आपकी, ठीक है, ये भी आपको हैलोजन ही मिल जाती है। प्लस यहाँ पर आपको 60-40 सीट मिल जाती है पीछे जाने के लिए, ठीक है जी, यहाँ से आप पीछे जा सकते हो। प्लस यहाँ पर भी आपको लाइट मिल जाती है LED, ओके जी, 2 LED लाइट मिल जाती है भाई, गाड़ी में काफ़ी अच्छी खासा रोशनी भी हो जाएगी। प्लस ये भी भाई आपके मैनुअली ही मिल जाते हैं, भी आपके एडजस्टेबल नहीं मिलते, एक पावर विंडो मिल जाती है। प्लस आपको ब्लैक और ब्राउन कलर की फिनिशिंग में यहाँ पर आपको इसका लुक दे दिया है। और बाकी चलिए रियर में आपको दिखा देता हूँ एक बार भाई, रियर में आपको क्या क्या मिल जाता है। रियर में भाई मिलते हैं आपको दोनों हेडरेस्ट, वो भी एडजस्टेबल। प्लस भाई ये इसकी तीसरी सीट है, ठीक है जी, ये इसकी सीट है, ये भी आपको देखो दोनों हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको काफ़ी खासा अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको पकड़ने के लिए एक ये भी दे रखा है। और बाकी ये है कि आपको वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जितना हो सके इस वीडियो को प्यार दो, शेयर कर दो यार, सभी अपने यार दोस्तों को, स्कॉर्पियन लवर को यार जरूर शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।